शांति। आज की तारीख है 23/1/23 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे पवित्रता के सागर पतित पावन। हम बच्चों को 5 विकारों से मुक्त करके पवित्र बनाने वाले मीठे मीठे शिव पिता परमात्मा ब्रह्मा बाबा के द्वारा बोले मीठे बच्चे, पवित्रता बिना भारत स्वर्ग बन नहीं सकता। तुम्हें श्री मत है, घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनो, दोनों तरफ तोड़ निभाओ, यानी संबंध अपना निभाओ। तो पवित्रता का महत्व मीठे मीठे बाप दादा ने बताया। प्रश्न है, दूसरे सत्संगों व आश्रमों से यहाँ की कौन सी रस्म बिल्कुल नई है? उत्तर है, उन आश्रमों में मनुष्य जाकर के रहते हैं, समझते हैं, संग अच्छा है, घर आदि का हंगामा नहीं है और एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। परंतु यहाँ तो तुम मरजीवा बनते हो, तुम्हें घरबार छुड़ाया नहीं जाता, घर में रह तुम्हें ज्ञान अमृत पीना है, रूहानी सेवा करनी है, ये रसम उन सत्संगों में नहीं है। बाबा ने भेद बताया। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 मधुर महावाक्य। नंबर 1, घर में रहते भी रूहानी सेवा करनी है, पवित्र बनना और बनाना है। नंबर 2, इस जीते जागते नरक में रहते हुए भी बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा लेना है। क्यों कहा जीते जागते हुए भी? क्योंकि लोकोक्ति है, कहावत है कि बिना मुए स्वर्ग नहीं जा सकते। परंतु बाबा हमें मरजीवा बनाकर और स्वर्ग में ले जाते हैं। किसी को भी दुख नहीं देना है। वरदान सतगुरु परमपिता परमात्मा का अपनी सर्व विशेषताओं को कार्य में लगाकर उनका विस्तार करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। मीठे मीठे शिव बाबा कहते हैं, जितना जितना अपनी विशेषताओं को मनसा सेवा, वाणी और कर्म की सेवा में लगाएंगे तो वही विशेषता विस्तार को पाती जाएगी। सेवा में लगाना अर्थात एक बीज से अनेक फल प्रकट करना। इस श्रेष्ठ जीवन में जो जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में विशेषताएं मिली हैं, सिर्फ बीज रूप में उसे नहीं रखो, सेवा की धरनी में डालो तो फल स्वरूप अर्थात सिद्धि स्वरूप का अनुभव करेंगे। स्लोगन है, विस्तार को न देख सार को देखो और स्वयं में समालो, यही तीव्र पुरुषार्थ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।